Hello everyone, welcome to Shroom's IAS. I'm Shivangi Sharma and here I'm with second chapter of class 9th history. So, जो हमारा first chapter है, उसमें हमने French Revolution पढ़ा था. And in the second chapter, we're gonna discuss about socialism in Europe and the Russian Revolution. So, कैसे Europe में socialism फैला और Russia में भी revolution हुआ. So, ये चीज़ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ द एज ऑफ सोशल चेंज. सो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि फ्रीडम का आइडिया कितना पॉपुलर हो गया और पूरे यूरोप में फैलने लगा आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसने काफ़ी सारे पॉसिबिलिटी खोल दी थी और ड्रामेटिक चेंज आ सकता था सोसाइटी में, किसी भी पूरे यूरोप में, ठीक है. और जैसे हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा कि एक हायरार्की बनी हुई थी और डिवाइड करा हुआ था तीन स्टेट में. सो जहाँ पे क्लर्जी, नोबिलिटी और जो थर्ड स्टेट के लोग आया करते थे, राइट. सो कैसे इन तीनों का, दीज टू वर द अपर कास्ट एंड दीज टू वर दीज वर द नीचर लोअर वन. सो ये चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है. और हमने पढ़ा कैसे सोशल पावर के बारे में डिस्कस किया जा रहा था थ्रू आउट द यूरोप, और सिर्फ यूरोप में भी नहीं, इंडिया में भी और एशिया की कंट्रीज़ में भी इस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट पड़ा था. इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और देरोजियो जैसे लोगों के लिए इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, और सोचा कि हाँ हम भी रेवोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है. यूरोप में सारे तो नहीं, बट कुछ थे जो कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे, कुछ नहीं थे. सो इधर भी जो लोग चेंज चाह रहे थे फ्रांस में, उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वर द लिबरल्स, देन द रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स, ठीक है. लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. सो इनको अगर हम डिस्कस कर लें अच्छे से, सो ये सारे जो है चेंज चाह रहे थे, कुछ बहुत ही रेडिकली चेंज चाह रहे थे, कुछ चाह रहे थे कि धीरे धीरे चेंज आए, ठीक है. सो यहाँ पे ये जो टर्म्स है इनका मतलब अलग अलग हो सकता है, बिकॉज टाइम के साथ साथ जो है चीज़ों का मतलब बदल जाता है, ठीक है. सो चलो इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव को. जो लिबरल्स थे वो चाह रहे थे कि नेशन में हर एक रिलीजन को इक्वली टॉलरेट किया जाए, ठीक है. और सेम टाइम यूरोपियन वैसे काफ़ी डिस्क्रिमिनेटेड था रिलीजन के बेसिस पे, मतलब जो ब्रिटेन जो है वो चर्च के उस पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा फेवर पे था, जबकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जो है वो कैथोलिक चर्च के उस पर ज़्यादा वो थे, ठीक है. सो इस तरीके से अलग अलग रूलर्स थे, अलग अलग धर्म थे, तो सभी लिबरल्स यही चाह रहे थे कि डायनेस्टिक रूलर्स का जो है वो कंट्रोल नहीं होना चाहिए. वो चाह रहे थे कि हर एक आदमी के पास उनका इंडिविजुअल राइट होना चाहिए अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है. तो ये भी आर्ग्यू कर रहे थे कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है. और ये बोल रहे थे कि सभी ना वोट दे सके, वोट सिर्फ वही लोग दे सके जिनके पास प्रॉपर्टी है, वही मैन, ठीक है. और जब रेडिकल्स थे वो चाह रहे थे कि कौन कंट्री की पॉपुलेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट सेट होनी चाहिए, कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है उस जगह पे उस हिसाब से पॉपुलेशन गवर्नमेंट सेट होनी चाहिए. सो यहाँ ये जो थे ये लोग वुमेंस को भी सपोर्ट कर रहे थे कि वुमेंस ने इतना सफ़र किया तो इनको भी वोट करना चाहिए, ठीक है. और लिबरल्स ये सब कुछ नहीं चाह रहे थे. और रेडिकल्स जो थे वो चाह रहे थे कि लैंड ओनर्स और जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं इनको प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है. फिर आते कंजर्वेटिव्स, ये रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के अपोज में थे. सो बेसिकली ये तो चाह रहे थे कि शुरू शुरू में तो इनकी इच्छा यही थी कि कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, जो चल रहा है वो सही चल रहा है. बट बाद में उन्होंने जैसे 19th century आए तो उन्होंने बोला हाँ चेंज तो ज़रूरी है, बट बहुत ही धीरे धीरे हमें चेंज चाहिए, इन्हें जल्दी तरीके से हमें चेंज नहीं चाहिए, बहुत आराम आराम से आएगा तो ठीक है, ठीक है. तो ऐसा सोशल चेंज का अलग अलग पर्सपेक्टिव थे हर एक लोगों के, ठीक है. इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. सो जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स है वो नए टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, राइट. क्योंकि पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहे थे, लोग चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि ठीक है नया टाइम आने वाला है. ये टाइम था जब सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आने थे किसी भी कंट्री में, ठीक है. सो ये टाइम था जब नई नई सिटीज़ भी एक्सपेंड हो रही थी उस टाइम पे रशिया में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बन रहा था, रेलवे एक्सपेंड हो रही थी और बहुत ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहे थे.
इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैन वुमेन बच्चे सारे फैक्ट्रीज पे आ गए और आगे काम करने लगे, बट इनके जो वर्किंग आवर्स थे मतलब काम करने का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा था और इनकी जो वेजेस थी वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम थी। ठीक है, इनको हाउसिंग और सैनिटाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्होंने सोचा कि हाँ इस इशू के रिगार्डिंग में हमें सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, सारी जो भी इंडस्ट्रीज थी वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी, लिबरल और जो रेडिकल्स थे वो खुद प्रॉपर्टी के ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स थे, बट वो सोच रहे थे कि वो उनको लग रहा था कि ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, उनकी वेल्थ थी उनकी जो वेल्थ थी वो ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के थ्रू बनी थी और उन्हें लग रहा था कि ये जो बेनिफिट्स है हमारे पास ये हमें वर्कफोर्स पे लगाना चाहिए ताकि जो सिटीजन्स है वो हेल्दी रहे और एजुकेटेड रहे। ठीक है, और इकोनॉमी भी इससे हमारी ग्रो करेगी। सो अरिस्ट ये भी बिलीव कर रहे थे कि जन्म के साथ जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं जो एरिस्टोक्रेसी है जन्म के साथ की वो नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ हमें बदल देनी चाहिए। ठीक है, और फ्रीडम सभी को होनी चाहिए ताकि जो पुअर लोग हैं वो भी काम कर सके और कुछ कमा सके अपने घर के लिए भी, ताकि सोसाइटी डेवलप होगी। ठीक है, सारे मैन और वुमेन हैं वो चेंज चाह रहे थे, तो उन्होंने लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप के साथ मिलके रैली की। ठीक है, और पार्टीज भी उस टाइम पे बन गई थी अर्ली 19th century में। ठीक है, कुछ नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, वो चाह रहे थे कि रेवोल्यूशन हो, बट इस तरीके से हो कि जो यूरोप में गवर्नमेंट है 1815 में जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी हुई है यूरोप में उसको हम एंड कर दें, उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया वो रेवोल्यूशनरीज बन गए और उन्होंने मोनार्क को ओवरथ्रो कर लिया। ठीक है, मोनार्क उन्होंने बोला कि ठीक है हमें मोनार्क नहीं चाहिए। नेशनलिस्ट जो थे वो काफ़ी रेवोल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे कि नेशंस कैसे बनाना है, नेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, सभी के पास इक्वल राइट होना चाहिए। और 1850 के बाद गुसीप मज़ीनी जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने कंस्पायर करा कि अगर उन्होंने बोला कि ठीक है ये तरीका हो सकता है अगर हमें इटली भी अचीव करनी है, और इंडिया के साथ साथ उन्होंने अलग अलग जगहों के बारे में लिखा था। अब यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, देखो इतना सब कुछ हो रहा था, विजन जो था वो सोशलिज्म का ही था, तो मिड 19th century में जो यूरोप है उधर सोशलिज्म एक काफ़ी अच्छा आइडिया बन चुका था, लोगों को सोशलिज्म के बारे में पता था और काफ़ी अटेंशन इसने अट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है, तो जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थी और ऐसा लगता था लोगों को कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसी की वजह से जो है कन्फ्लिक्ट होती है, इंडिविजुअल के पास जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब सभी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी मतलब प्रॉपर्टी जो है वो सभी की होनी चाहिए और सभी उस पर काम कर सके। ठीक है, किसी सिंगल की जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो सोशलिस्ट इस चेंज की डिमांड कर रहे थे। सोशलिस्ट का फ्यूचर के लिए डिफरेंट विजन था, कुछ कोऑपरेटिव्स के आइडिया पे भी बिलीव करते थे। रॉबर्ट ओवन जो कि एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने देखा कि अगर हमें उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई न्यू हार्मनी इन इंडियाना USA, तो और ऐसे सोशलिस्ट थे जो कोऑपरेट कर रहे थे ऑन अ वाइड स्केल, कुछ इंडिविजुअल किन लोगों के इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स थे। ठीक है, सो फ्रांस में भी ऐसे लुइस ब्लांक हो गए, उन अलग अलग लोगों ने कोऑपरेटिव और उन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव्स को इनक्रेज करो और कैपिटलिस्ट जो एंटरप्राइजेज है इनको रिप्लेस कर दो, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सो लोग और जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे ये सारे लोग मिलके काम करने लग गए थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे लोग थे उन्होंने भी इस आर्ग्यूमेंट को एक नई बॉडी दी, एक नया स्ट्रक्चर दिया। तो मार्क्स आर्ग्यू कर रहे थे कि जो कैपिटलिस्ट है मतलब मार्क्स आर्ग्यू कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्टेड है फैक्ट्रीज में। ठीक है, और ज़्यादा मेन मोटिव जो है वो सिर्फ प्रॉफिट का है, वो वर्कर्स के बारे में नहीं सोच रहे, तो ये चीज़ के बारे में भी बात करना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, वर्कर्स ने ओवरथ्रो करा कैपिटलिज्म को और बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो ये चीज़ शुरू में बोली थी वही सभी के दिमाग में आइडिया जा रहा था। ठीक है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म 1870s के टाइम पे यूरोप में काफ़ी सोशलिस्ट आइडियाज़ फैल चुका था
और उनके एफर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म कर दी गई थी जिसका नाम सेकंड इंटरनेशनल था। ठीक है, इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी ऐसे ऐसे एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी ताकि वो अपनी बेटर लिविंग और बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए लड़ सके। ठीक है, उन्होंने फंड्स सेटअप किए ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके और वर्किंग में मतलब वर्किंग आवर में वो रिडक्शन की डिमांड कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमें भी राइट टू वोट चाहिए। जर्मनी में ये जो एसोसिएशन थे ये बहुत क्लोजली रिलेटेड थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। ठीक है, और 1905 में जो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियंस थे उन्होंने लेबर पार्टी खोली। ठीक है, ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी खोली गई फ्रांस में। 1914 तक जो सोशलिस्ट थे उन्होंने मतलब यूरोप की गवर्नमेंट को अभी तक सक्सीड नहीं किया था। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर्स हो गए थे पार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसके लिए। ठीक है, तो जो आइडियाज़ है उससे लेजिस्लेशन को शेप मिलने लग गई थी अब थोड़ी थोड़ी। द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, अब देखते हैं रशिया में रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। सो जो सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोप स्टेट्स थी उनको ना रिजर्व किया जा रहा था, और जो सोशलिस्ट थे वो रशिया की गवर्नमेंट के ऊपर बोल रहे थे कि हमें मतलब उन्होंने अक्टूबर रेवोल्यूशन किया 1917 में और रशिया की गवर्नमेंट के टुक ओवर कर लिया। जो मनार्क था वो 1917 फरवरी में गिर गया और अक्टूबर को रशियन रेवोल्यूशन बोला गया। ठीक है, फरवरी और अक्टूबर का जो इवेंट था उसको रशियन रेवोल्यूशन बोला जा रहा था। सो रशियन एम्पायर इन 1914 में सार निकोलस टू रशिया में राज किया करते थे। उनकी टेरिटरी सिर्फ मॉस्को में नहीं थी बल्कि जो अभी करंट डे फिनलैंड, लथविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के पार्ट, यूक्रेन और बेलारूस, यहाँ पे भी इनका राज हुआ करता था। ठीक है, इनका राज पैसिफिक से लेके एशियन स्टेट्स तक फैला हुआ था जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान। तो और जो मेजोरिटी रिलीजन था डैट वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के थ्रू मतलब उन्हीं से ग्रो हुआ था। सो ये जो एम्पायर थे इसमें कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट जैसे लोग भी हुआ करते थे। ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जैसे 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई ज़्यादातर मतलब जो वास्ट मेजोरिटी थी रशिया की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। 85% जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है पॉपुलेशन की, 85% जो लोग हैं वो डायरेक्टली मतलब वो एग्रीकल्चर से ही अपनी लिविंग अर्न किया करते थे। ये प्रोपोर्शन किसी भी और यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा था, चाहे वो फ्रांस हो या जर्मनी हो। फ्रांस में 40% लोग थे और जर्मनी में इट वॉज ओनली 50% लोग जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, और रशिया खुद में एक काफ़ी मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का। इंडस्ट्री जो थी वो उस टाइम पे बहुत कम इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, और उसमें से जो बहुत प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल एरियाज थे, वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। मतलब इतना बड़ा रशिया और सिर्फ दो ही जगह है जहाँ पे ज़्यादातर हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। ठीक है, बट जो बहुत लार्ज फैक्ट्रीज है वो क्राफ्ट वर्कशॉप में ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी, और ज़्यादा फैक्ट्री जो थी वो 1890s के टाइम पे सेटअप हुई जब रशिया की जो रेलवे नेटवर्क है वो एक्सटेंड हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन और स्टील का जो आउटपुट है वो तो चौगुना हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, और 1900 के टाइम पे कुछ फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्टमैन जो थे वो इक्वल हो गए थे नंबर पे। ज़्यादातर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इंडस्ट्रियलिस्ट की मतलब इंडस्ट्री जो थी वो ज़्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टी ही थी, तो गवर्नमेंट ने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं और बहुत ही कम मतलब वो सोच रहे थे कि कम वेजेस और लिमिटेड वर्किंग आवर्स उन्हें दिया जाए। ठीक है, मतलब वेजेस में ना एक मिनिमम वेज बता देगी, ठीक है, हाँ ये मिनिमम वेज है इससे तो मतलब ज़्यादा ही दो, और उन्होंने लिमिटेड वर्किंग आवर्स सेटअप कर लिया लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए। ठीक है, कि ये तुम्हारा वर्किंग आवर है इतना टाइम के लिए तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। ठीक, और फैक्ट्री इंस्पेक्टर ध्यान देते थे कि ये रूल्स जो है इनको तोड़ा ना जाए,
बट स्टिल कभी कभी जो वर्किंग डेज थे वो 15 घंटे तक चले जाते थे बाकी किसी और फैक्ट्री में 10 to 12 आवर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये चीज़ें सही नहीं थी। वर्कर्स को सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा रहा था। कुछ लोगों का जो स्ट्रॉन्ग लिंक्स था उनके विलेजेस में, ठीक है, जहाँ से वो आए थे, और कुछ जो है वो सिटीज़ में ही आके बस चुके थे। ऐसे ऐसे ये भी डिवाइडेड थे, ठीक है। और जो मेटल वर्कर्स थे स्पेशली ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, उनको बोला गया कि ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़े हैं, ये एरिस्टोक्रेट्स हैं, क्योंकि इनकी जो इनका जो काम है उसके लिए ट्रेनिंग और स्किल्स चाहिए, ठीक है। और उस टाइम पे वो 31% ऑफ द वुमेन्स वो फैक्ट्रीज पे आ चुकी थी काम करने, ठीक है। बट उनको मेन से तो कम ही पे किया जाता था, या तो आधा पे किया जाता था या फिर 3/4 पे किया जाता था, ठीक है, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी लेस। वर्कर के कपड़े भी उस टाइम डिजाइन करती थी कि तुम ये पहनोगे और तुम ये पहनोगे, ठीक है। सो डिस्पाइट डिविजन्स, वो लोग जब स्ट्राइक के बारे में बात आई तो सभी यूनाइट होके इकट्ठे मिलके सभी ने लड़ाई करी। और जब एम्प्लॉयर्स ने डिसएग्री करा और बोला कि ये जो वर्क कंडीशन है इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दी कि ठीक है हम काम ही नहीं करेंगे, तुम क्या कर लोगे, अगर ये चीज़ें नहीं सुधारोगे तो हम काम ही नहीं करेंगे, क्या क्या बनाओगे तुम लोग, ठीक है। तो ऐसे हमें देखने को मिलता है रिवॉल्ट। कंट्री साइड में पीजेंट्स जो थे उन्होंने भी काफ़ी लैंड में कल्टीवेट किया, बट ज़्यादातर जो लैंड है वो नोबिलिटी, क्राउन और जो ये ऑर्थोडॉक्स चर्च थे वही ओ करते थे, ठीक है। सो ये लोग भी डीपली रिलीजियस थे। तो इस यहाँ पर ना जो ये फार्मर्स थे या फिर जो भी ये लोग थे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, इनको किसी चीज़ का गुस्सा नहीं था, बस इनको ये चीज़ का गुस्सा था कि ये जो नोबल्स है इनको लैंड नहीं ओ करनी चाहिए, इनकी लैंड जो है ये लैंड के काबिल ही नहीं है, बिकॉज ये तो सारा सार का परिवार है, अगर सार नहीं होता तो इनके पास ये लैंड ही नहीं होती। तो इन्होंने बोला कि तुम ये लैंड नहीं डिजर्व करते हो, ये लैंड पीजेंट्स ही डिजर्व करते हैं, और उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई भी करी थी, ठीक है। जब उन्होंने रेंट पे करने के लिए मना कर दिया उन लोगों ने, और लैंडलॉर्ड का मर्डर भी करना शुरू कर दिया कि तुम लोग इतना, वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे और कुछ भी हो नहीं रहा था, ठीक है, इन नोबल्स के खिलाफ, तो ये सब कुछ करना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। साउथ रशिया में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 1902 में, और 1905 आते आते 3 साल में ये चीज़ पूरे रशिया में फैल गई। जो रशिया के पीजेंट्स थे ना वो यूरोपियन पीजेंट्स से अलग थे, बिकॉज ये सारे ना मिलके काम किया करते थे, जो भी मतलब आउटकम आता था उसको भी जितनी जितनी नीड्स है नीड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया करते थे, ठीक है, सोशलिज्म इन रशिया। सो रशिया में उस टाइम पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना वो इलीगल था 1914 से पहले, बट स्टिल रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म हो गई थी जो कि मार्क्स के आइडिया पे निर्धारित थी, ठीक है। और इसके अंडर जो है ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन था, बट इन्होंने न्यूज़पेपर, मोबिलाइजेशन वर्क और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स भी सेटअप करनी शुरू कर दी, ठीक है। सो ठीक 1900 में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बन गई, ठीक है, जो कि पीजेंट्स के राइट के लिए लड़ रही थी। तो उस टाइम में पीजेंट्स के राइट्स के लिए भी हमें एक पार्टी बनानी पड़ गई थी, ठीक है, हमें नहीं मतलब रशियन लोगों को, ठीक है। तो उसमें जो राइट्स थे वो डिमांड करते थे कि पीजेंट्स के जो मतलब जो लैंड नोबल्स के पास है वो पीजेंट्स के पास आ जानी चाहिए, ठीक है। और लेनिन को ऐसा लगता था कि एक यूनाइटेड ग्रुप होना चाहिए जिसमें कुछ पुअर होंगे, कुछ अमीर होंगे, बट सारे मिलकर काम करें, ठीक है। सो ये जो डिफ्रेंशिएशन था ये उनके बीच में ही था, ठीक है, बट ये सोशलिस्ट मूवमेंट में इसने पार्ट नहीं लिया क्योंकि वो सारे मिलके ही काम कर रहे थे। ये जो पार्टी थी इनको बाद में डिवाइड हो गए ये लोग ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। जो व्लादिमीर लेनिन थे उन्होंने बोल्शेविक ग्रुप खोला, और जो अदर्स थे डेट वर मेंशेविक्स, ठीक है, बोल्शेविक एंड मेंशेविक्स। सो बोल्शेविक्स के लोग बेसिकली चाह रहे थे कि उनके जो लोग होंगे, जो उनके उनमें जो भी मेंबर्स होंगे वो डिसिप्लिन्ड होंगे और क्वालिटी मेंबर्स होंगे, जबकि मेंशेविक्स ये चाह रहे थे कि कोई बात नहीं सारे लोग मिलके काम करें, ठीक है, ये पार्टी सभी के लिए खुली हुई है। फिर आता है टर्बुलेंट टाइम इन 1905। रशिया एक ऑटोक्रेसी बन चुकी थी और सार का कोई मतलब पार्लियामेंट में कोई उनका था नहीं, कुछ चल रहा अभी तक। सो 1904 में जो रशियन वर्कर्स थे उन्होंने बोला कि ये जो प्राइस है गुड्स की ये इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं
ये क्या हो रहा है, बिकॉज उस टाइम पे क्या हो रहा था कि रशिया के उस टाइम पे जापान के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है, जापान के साथ, और रशिया काफ़ी जो है लड़ाई हार भी रहा था, बट सार निकोलस टू मान ही नहीं रहा था, वो बार बार लड़ाई कर रहा था जापान के साथ, और इतनी सारी लड़ाई करने के बाद भी वो जीता नहीं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स रशिया की इकोनॉमी में बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ा, और जो भी चीज़ थे उनके उनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, और उनकी जो रियल वेजेस थी लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, 21% तक, 20% तक कम हो गई थी, ठीक है। फिर ये जब फिर जब इतना सब कुछ हो रहा था और पीजेंट्स भी इनके खिलाफ जा रहे थे, वर्कर्स भी, तो फादर गैपोन के अंदर सारे वर्कर्स ने एक प्रोसेशन किया और वो विंटर पैलेस के पास पहुंच गए, और वहां जाकर जो है वो लोग मतलब नारेबाजी करने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे। तब पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी और उस टाइम पे 100 वर्कर्स मर गए थे और लगभग 300 को चोट लग गई थी, और इनको बोला गया था, इस दिन को बोला गया था ब्लडी संडे। वो तो बस अपने बेसिक राइट के लिए लड़ाई कर रहे थे कि उनकी जो वर्किंग आ रही है उसको 8 घंटे तक कर दो, और उनकी थोड़ी वेजेस में इंक्रीज कर दो, और उनकी वर्किंग कंडीशन को थोड़ा मतलब इंप्रूव कर दो। ये इतनी बेसिक चीज़ें थी जिनकी वो डिमांड कर रहे थे, बट स्टिल उनके ऊपर ओपन फायरिंग हुई और ब्लडी संडे बन गया, ठीक है। स्ट्राइक्स जो थी वो ऑल ओवर द कंट्री हो रही थी, स्टूडेंट बॉडीज़ भी बंद हो गई, और जैसे लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स थे कि सारे मतलब अपनी वो छोड़कर जो है सारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एक डिमांड करने लगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमें चाहिए, एक पार्लियामेंट चाहिए। सो 1905 के रेवोल्यूशन के टाइम पे सार ने अलाउ कर दिया कि ठीक है हम एक इलेक्टिव कंजर्वेटिव पार्लियामेंट बनाएंगे, और उसका नाम उन्होंने रखा डूमा। बट सार ये चाह रहे थे, सार को काफ़ी डर लग रहा था कि उनकी जो पावर है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए धीरे धीरे करके, इसलिए उन्होंने फर्स्ट डूमा बनाया और उसको 75 डेज के अंदर अंदर बंद कर दिया, मतलब उसको डिसमिस कर दिया। फिर उन्होंने सेकेंड डूमा बनाया, ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर, और उनको डर लग रहा था कि उनकी पावर में रिडक्शन आ जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको भी बंद कर दिया। और थर्ड डूमा भी खोला गया और वो अभी तक खुल रहा था, ठीक है, मतलब खुला हुआ था। सो लिबरल्स और रेवोल्यूशन जो थे वो मतलब बाहर थे इस डूमा के, वो डूमा में ये लोग नहीं थे। सो इस डूमा में जो किंग थे उन्होंने सिर्फ अपने ही लोग रखे थे कि जो उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए लिबरल्स और जो रेवोल्यूशनरी थे उनको डूमा में आना अलाउड नहीं था। अब आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो 1914 में दो यूरोपियन अलायंसेस के वजह के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है। एक साइड थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और एक तरफ था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ठीक है। सो इनकी लड़ाई हुई बिकॉज इनके पार्ट बोल सकती हूँ मैं, या फिर इनकी जो स्प्रेड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में थी, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर बोला गया, ठीक है। जो रशिया में इनिशियली लोग जो है वो सार निकोलस का साथ दे रहे थे कि ठीक है आप लड़ाई करो हम आपका पूरा साथ देंगे, वो इतना साथ दे रहे थे कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड कर दिया। क्यों बदला? बिकॉज डेट वॉज अ जर्मन नेम, ठीक है। इतना सब कुछ हो रहा था बट धीरे 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 करते हुए लोगों का ना विश्वास उठने लग गया सार निकोलस से। उसके पीछे मेनली दो रीज़न थे। तो फर्स्ट रीज़न वॉज कि जो क्वीन है वो, जिनका नाम था सारीना अलेक्जेंड्रा, वो खुद जर्मन ओरिजिन को बिलोंग करती थी, तो लोगों को लग रहा था जब क्वीन ही जर्मनी की है तो वो मतलब कैसे लड़ाई कर सकता है। और सेकेंडली जो इसका रीज़न था डैट वॉज रास्पुतिन। अब आप बोलोगे ये रास्पुतिन कौन है, राइट? रास्पुतिन था सार का एडवाइज़र, ठीक है, और ये लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। सभी का ये बोला था कि इट इज़ अ वेरी पुअर एडवाइज़र, और ये बिल्कुल भी अच्छे जो है इसकी एडवाइसेस नहीं होती है, बट स्टिल राजा इन्हीं की बात मानता था और ये सब कुछ हो रहा था। तो अब लोगों ने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट के बीच में हुई, ठीक है। सो ये लड़ाई हुई और जो डिफीट थी, जो हार थी वो काफ़ी शॉकिंग थी बिकॉज रशिया जर्मनी से बहुत बुरी तरीके से हार चुका था। रशिया की मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी उस टाइम पे, उनकी जो आर्मीज है वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है, उनके पास कुछ बचा नहीं था। ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ आ गई थी 1917 में, ठीक है। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय होगी, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होगी, बिल्डिंग्स के लिए भी लोग प्रिवेंट तो कर रहे थे बट काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गया था क्रॉप्स का भी, और लगभग
बिल्डिंग्स की वजह से 3 मिलियन रेफ्यूजी हो चुके थे रशिया में, ठीक है। अब ये सब कुछ हुआ था, सभी ने डिसक्रेडिट दे दिया सार को कि ये सार की वजह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि जो सोल्जर्स थे यानी कि जो सिपाही थे वो तो ये लड़ाई लड़ना चाहते ही नहीं थे ऐसी लड़ाई, ठीक है। इस वॉर का इंडस्ट्रीज पे भी काफ़ी सीवियर इफेक्ट हुआ, जो रशिया थी उनकी मतलब अपनी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी वैली बहुत कम थी, अब वो और ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है। जर्मनी ने बाल्टिक सी को अपने अंडर कर लिया और वहाँ से वो गुड्स को इंडस्ट्रियल गुड्स को मतलब ट्रांसपोर्ट करने लगे थे उस टाइम पे। 1916 में जो रेलवे लाइंस थी वो टूट गई और जो एबल बॉडीज थी वॉर की उनको भी मतलब मैन की उनको भी बुला दिया गया कि तुम आ जाओ लड़ाई की लड़ने के लिए। इस रिजल्ट में क्या हुआ कि लेबर की शॉर्टेज पड़ गई और जो वर्कमैन्स थे उन्हें भी लगा कि मतलब ये चीज़ें सही नहीं हो रही और उन्होंने सारी अपनी जो असेंशियल चीज़ें हैं उनको बनाना बंद कर दिया, ठीक है। ग्रेन का जो एक लार्ज पार्ट है वो आर्मीज को फीड करने के लिए भेजा जा रहा था, जिसकी वजह से जो है जो ग्रेन है वो स्केयर्स हो गया, ग्रेन की कमी हो गई थी, ठीक है। और ब्रेड शॉप्स पे तो राइट्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए थे कि ठीक है ब्रेड की शॉप में तो लड़ाइयाँ होती रहती थी। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, पेट्रोग्रेड क्या है, पेट्रोग्रेड जगह है सेंट पीटर्सबर्ग जिसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है, याद रखनी है ये चीज़। 1917 के विंटर में जो कैपिटल थी पेट्रोग्रेड वहाँ पे बहुत ही खतरनाक ठंडी पड़ रही थी, जो लोग थे वहाँ पे एक रिवर जाती थी रिवर नेवा, तो नेवा रिवर की जो राइट साइड थी द राइट साइड यहाँ पर वर्कर्स रहा करते थे, वर्कर्स की फैक्ट्रीज भी यहीं पे सेटअप करी गई थी, ठीक है। और जो लेफ्ट बैंक था रिवर का इधर पर सारे फैशनेबल एरिया थे जैसे कि विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग्स, उसके अलावा डूमा, ठीक है, ये सब कुछ यहीं पे था। बट वर्कर्स के क्वार्टर्स में इतना शॉर्टेज होने लगा था और इतनी ठंड थी, इतनी बर्फ़ पड़ रही थी, इतनी ठंड थी कि अब लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं और सार ने डूमा को डिसॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से अब तो लोग सार के बिल्कुल ही अपोजिशन में चले गए थे, ठीक है। फेब्रुअरी 2020 में एक लॉकआउट हुआ राइट साइड में, फैक्ट्री के राइट साइड में, बिकॉज लोग जो है वो लेफ्ट साइड में आके लड़ाई करने लग गए थे, ठीक है। सिंपथी के वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे बेसिक चीज़ों की, वुमेंस भी स्ट्राइक्स में आए और उस दिन को इंटरनेशनल वुमेंस डे बोल दिया गया, ठीक है। और ये सब कुछ जो हुआ ये नेविस्की प्रोस्पेक्ट के अंडर हुआ था, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली ऑर्गेनाइज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये जो मूवमेंट था इसको ऑर्गेनाइज नहीं करा था, ठीक है। विंटर पैलेस के बाहर आके लोगों ने लड़ाई करना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और लोगों और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, जिसकी वजह से डेमोन्स्ट्रेशन को जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनको वापस जाना पड़ा, बट वो भी कम नहीं थे, 24th और 25th को फिर से आ गए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कवेलरी को बुलाया और बोला कि इन पे तुम लोग नज़र रखो। संडे 25 फरवरी को जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरी तरीके से ही अब डूमा को सस्पेंड कर दिया, जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला कि ये तुमने क्या करा, और अब डेमोन्स्ट्रेटर्स को फिर से गुस्सा आ गया था बट वो उनको मतलब लेफ्ट बैंक में जाने के लिए फोर्स कर दिया गया, ठीक है। 27th डेट को जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे उनको रैनसैक कर दिया गया, स्ट्रीट्स जो थी उसमें लोग स्लोगन्स गाते गाते चल रहे थे कि हमें ब्रेड का रेट कम करो, हमारे वेजेस बढ़ाओ, हमारे आर्स बेटर करो, आर्स मतलब काम करने के घंटे कम करो और डेमोक्रेसी लाओ, ठीक है, बेसिक चीज़ें थी ये। गवर्नमेंट ट्राई कर रहे थे कि इस सिचुएशन को फिर से हैंडल कर जाए किया जा सके और उन्होंने कैवेलरी को बुलाया फिर से, बट इस बार कैवेलरी थी उन्होंने मना कर दिया कि हम इनके ऊपर वार नहीं करेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेटर पर फायर नहीं करेंगे, बिकॉज वो लोग भी तो यही चीज़ चाह रहे थे ना, भले ही वो राजा के अंडर हो बट उनकी चीज़ तो यही थी, उनकी भी यही इच्छा थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर लोगों ने जिस बिल्डिंग में डूमा हुआ करता था उसी बिल्डिंग में जाके अटैक कर लिया, ठीक है। अगले ही दिन डेलीगेशंस यानी कि सार को मिलने के लिए काफ़ी मिलिट्री कमांडर्स आया और उन्होंने उसको एडवाइस करा कि तुम्हें आप इस्तीफे दे देना चाहिए पोजीशन से, बिकॉज जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है और तुम मारे जाओगे, बिकॉज
इतना सब कुछ तुम सही कर रहे हो, ये जो कर रहे हो ये सही नहीं था ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम इस्तीफा दे दो या रिटायर हो जाओ। और जैसे उन्होंने बोला था, 2 मार्च को सर निकोलस टू ने मतलब अपना इस्तीफा दे दिया पोजीशन से, रेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, फिर जो डूमा लीडर्स थे उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया ताकि वो कंट्री को मतलब रन कर सके। सो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था उसके साथ डूमा ने एक मिल गए वो लोग ताकि वो कंट्री को चला सके, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी। ठीक है, मतलब जो फ्यूचर का जो फ्रांस का जो फ्यूचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही चलाएगी, ये उन्होंने बोला। अब फेबररी के बाद क्या हुआ, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको मतलब वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए प्रोविजनल गवर्नमेंट से, और लिबरल्स और जो सोशलिस्ट थे उन्होंने भी बोला कि ठीक है अब तो हम इलेक्टेड गवर्नमेंट की टूवर्ड काम करेंगे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अप्रैल 1970 में जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन वो रशिया से अपने एग्जाइल के बाद वापस आए, और वो और जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने वो वॉर के अपोज उन्होंने लड़ाई करी 1914 तक। ठीक है, उसके बाद उन्हें लगा कि जो सोवियट्स है उनके मतलब उन्होंने उनको पावर के ऊपर टेक ओवर कर देना चाहिए। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो वार है वो काफ़ी वॉर जो है काफ़ी क्लोज आने वाली है, और लैंड को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए सारी पीजेंस के लिए, और उन्होंने बैंक को नेशनलाइज कर दिया बिकॉज वो लड़ाई जीत चुके थे। और उन्होंने बोला कि ठीक है अब तो हम करेंगे जो करेंगे, और उनको जिस चीज़ से नफरत थी उन्होंने वो सारी चीज़ें करी। ठीक है, हाँ, समर्स में जो वर्कर्स थे वो वर्कर मूवमेंट काफ़ी स्प्रेड हो गया, फैक्ट्रीज की भी कमेटी बनने लगी, और काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह उठने लगे कि अब इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्रीज क्यों चलाएंगे, ट्रेड यूनियन वगैरह सब कुछ ग्रो होने लग गया। ठीक है, और जो शोल्डर कमेटी थी उन्होंने एक आर्मी फॉर्म कर दी। 500 जून में 500 सोवियत ने रिप्रेजेंटेटिव भेजे पूरे रशियन कांग्रेस मतलब टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। सो अब बोल्शेविक काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे थे, जो वो हो रहे थे सब कुछ हो रहा था, वो लीडर्स को भी अब उन्हें लग रहा था कि लोग उनके खिलाफ जा रहे थे, तो उन्होंने शुरू कर दिया कि वर्कर्स जो है वो फैक्ट्रीज चलाएंगे, और जो लीडर्स है जो उनके खिलाफ जाएंगे उनको वो अरेस्ट कर देंगे, उनको उन्होंने अपने अंडर करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1917 का एक काफ़ी पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन है जो बोल्शेविक्स ने किया, और जिसकी वजह से काफ़ी जो बोल्शेविक्स थे वो लीडर्स थे वो अपने घर पर छुप गए या भाग गए। मीनवाइल जो कंट्री साइड में पीजेंट्स थे और जो सोशलिस्ट थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने भी बोला कि अब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लैंड का, और ये जो भी नोबिलिटी के पास था इनको फिर से पीजेंट्स के पास देंगे हम लोग। ठीक है, सब कुछ अभी तक अच्छा चल रहा था। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में। ठीक है, बिकॉज लेनिन को ये डर लग रहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ना सेटअप कर दे, बिकॉज देखो जो प्रोविंशियल ग्रुप है ना उनके जो लीडर्स थे वो ऑलरेडी काफ़ी अमीर लोग थे, यानी कि जो बिजनेसमैन थे, जो नोबिलिटी के एक दो लोग थे, तो ऑफकोर्स शुरू से ही जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनके खिलाफ तो लड़ाई चलती रही थी। इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, बोल्शेविक्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, और उनकी लड़ाई शुरू होगी। ठीक है, 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत में परस्यू करा, और जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने उनको एग्री कर दिया कि जो पावर है वो सोशलिस्ट सीजर पे जाएगी। और ये सब कुछ लियोन ट्रॉट्स्की के अंदर हो रहा था, और कि कैसे वो लोग उनके खिलाफ लड़ाई करेंगे, कब वो मतलब ये सब कुछ करेंगे, कब ये अपराइजिंग वगैरह वो करेंगे, ये लड़ाई का वो सब कुछ किसी को भी उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, बट फिर 24 अक्टूबर, सो देखो 16 अक्टूबर में ये सब कुछ हुआ था, 24 अक्टूबर पे उन्होंने जो है क्रेंसकी के अंदर उन्होंने मतलब कर दिया। ठीक है, और ट्रूप्स वगैरह आ गए, और मिलिट्री के जो मैन थे उन्होंने बिल्डिंग्स को बोल्शेविक की 2 बिल्डिंग्स थी जहाँ पे न्यूज़पेपर बनते थे उनको सीज कर दिया। बट बोल्शेविक्स भी कम तो नहीं थे, उन्होंने भी जो गवर्नमेंट की जो सब ऑफिस है उनको सीज कर दिया और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से जो है सारे लोग अब लड़ाई करने लग गए थे। ठीक है, प्रोटेस्ट करने लग गए थे। अक्टूबर के बाद क्या हुआ, जब बोल्शेविक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे, तो बिकॉज ये जो ऊपर प्रोटेस्ट हुआ इसमें भी बोल्शेविक्स जीत गए थे, तो इन्होंने जो इंडस्ट्री है और जो बैंक है उनको नेशनलाइज कर दिया गया। नवंबर 1917 को गवर्नमेंट ने ओनरशिप गवर्नमेंट
ने ऑनरशिप और मैनेजमेंट के ऊपर टुक ओवर कर लिया, ठीक है। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी बोल दिया गया और पीजेंट्स को अलाउ कर दिया क्योंकि वो नोबिलिटी के लैंड छीन कर वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और आर्मी के जो कपड़े हैं उनको थोड़ा चेंज किया गया, थोड़ा एक क्लोथिंग कॉम्पिटिशन हुआ और उसमें भी वो जीत गए और सोवियत हेड जो है वो चूज़ किया गया, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी का नाम जो अभी तक बोल्शेविक पार्टी चला आ रहा था उनको उन्होंने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दी, ठीक है। नवंबर 1970 में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने इलेक्शंस कंस्टिट्यूट करे कंस्टिट्यूट असेंबली के लिए और ऑफकोर्स लेनिन को लग रहा था कि वही जीतेंगे बिकॉज उन्होंने इतना सब कुछ किया अभी तक लैंड के लोगों के लिए, है ना। बट ऐसा नहीं हुआ और वो हार गए और इतना बुरा लगा लेनिन को कि उन्होंने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि असेंबली नहीं होगी तुम लोग, और उन्होंने बोला अब जो होगा वो मैं करूँगा, मैं गवर्नमेंट सेटअप करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने अब जो है वायलेंस का सहारा लेना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया, जो भी उनके खिलाफ जाता था उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया और उन्होंने एक सीक्रेट पुलिस बना दी जो भी बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करता था उनके खिलाफ उन लोगों को, ठीक है। और जो भी लोग अभी तक जो लेनिन का सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा था कि हमने ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था जो ये कर रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी को बुरा लग रहा था ये चीज़ के बाद, ठीक है। सो सिविल वॉर, अब जब बोल्शेविक ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर किया तो जो रशियन आर्मी है उन्होंने बोला नहीं ये नहीं होगा और उन्होंने अटैक्स करने थोड़े थोड़े शुरू कर दिए। जो भी शोल्डर्स थे मोस्टली पीजेंट्स थे तो वो चाहते थे कि वो घर जाए और रीडिस्ट्रीब्यूशन करे और अपना फिर से वो काम करे। सो जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे और लिबरल्स थे उन्होंने ऑटोक्रेसी को जो सपोर्टर थे ऑटोक्रेसी के उनको बोला कि ठीक है बोल्शेविक अपराइजिंग करे, डैट इज़ नाइस। तो जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया में गए और उन्होंने ट्रूप्स ऑर्गेनाइज करे फाइट करने के लिए और लोग तीन में डिवाइड हो गए, तीन लोगों में, डेट वो द रेड्स द ग्रीन्स एंड द वाइट्स। जो रेड्स थे वो बेसिकली बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करने वाले थे और जो ग्रीन्स थे वो थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और वाइट वो थे कि जो अभी भी बोल रहे थे कि सार को वापस ले आओ, हमारा प्यारे राजा जी को वापस ले आओ, ठीक है। तो जो बाहर की कंट्रीज थी उन्होंने रेड को नहीं सपोर्ट किया, उन्होंने ग्रीन और वाइट को सपोर्ट किया क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर आज हमने रेड को सपोर्ट कर दिया तो उनकी कंट्री में भी कल को ये डिमांड आ सकती है कि हमें भी सोशलिस्ट कंट्री चाहिए, हमें भी ऐसा सब कुछ चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए, एक राजा का हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो डर लग रहा था लोगों को और दूसरे राजा को, बट स्टिल क्या हुआ कि जो रेड्स थे वो जीत गए बिकॉज लोगों ने उनका बहुत सपोर्ट किया और वो लोग जीत गए, ठीक है। सो उसके बाद बोल्शेविक जो कॉलोनीज थे उन्होंने काफ़ी ब्रूचुअली मैसेकर वगैरह करने शुरू कर दिए थे अपनी सोशलिज्म को डिफेंड करने के लिए और काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करना क्या चाह रही है बेसिकली, ठीक है। सो अब आते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी बनी। जब सिविल वॉर चल रही थी तब बोल्शेविक ने इंडस्ट्रीज और जो भी बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया था और उन्होंने पीजेंट्स को परमिट दे दिया था कि तुम उस लैंड पे जाके काम करो बिकॉज वो सोशलाइज कर दी गई है, अब तुम उस पे जाके काम कर सकते हो, ठीक है। और ये जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ऑफिशियल्स को असेस किया गया और इकोनॉमी उन्होंने बोला कि अब हम जीत गए हैं तो हमने इतने सारे जो वादे किए थे इन लोगों के लिए कि तुम हमें जिता दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, अब उन वादों को निपटाने का टाइम आ चुका है। तो इन्होंने 5-year plans बनाने शुरू करे और उन 5-year plans के अंडर इन्होंने प्रमोट किया ग्रोथ, ठीक है। जो फर्स्ट 2 plans थे उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को सेंट्रलाइज प्लान किया गया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बात की गई, ठीक है। और नई नई कंट्री जो है वो फैक्ट्री जो है वो सिटीज पे आ गई थी। इतना रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा था बट वर्किंग कंडीशन जो है वो पुअर होती जा रही थी, इसकी वजह से जो वर्कर्स थे वो काफ़ी हार्ड लाइफ जी रहे थे और ये सब कुछ सही नहीं था। और हो क्या रहा था कि जो लिविंग क्वार्टर्स थे वहाँ पे विंटर टाइम में 40 डिग्री से बिलो और काफ़ी ठंड हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। स्कूली सिस्टम को डेवलप किया गया, अरेंजमेंट की गई, काफ़ी फैक्ट्रीज भी बनाई गई ताकि पीजेंट्स भी यूनिवर्सिटी में जा सके, इसलिए अलग अलग चीज़ें की गई। वुमेंस के लिए चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया और वर्कर्स के लिए मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स सेटअप करे गए, ठीक है। सो इतना सब कुछ बोल्शेविक्स ने करा उसके बाद जीतने के बाद रेड और ग्रीन और वाइट से।
सो स्टेलिंग. अब ये जो था ये प्लांट इकोनॉमी चल रही थी, ठीक है, बट कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो डिज़ास्टर था ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड थी. ठीक है, तो 1927-28 की जो सोवियत रशिया है वो एक अक्यूट प्रॉब्लम फेस कर रही थी ग्रेन सप्लाई का, ग्रेन सप्लाई कम हो रही थी. तो जैसे अभी तक चल रहा था सब कुछ सही लेनिन के थ्रू, बट क्या हुआ, अचानक से लेनिन की डेथ हो गई. तो लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन थे जिन्होंने हेड किया पार्टी को और बोला कि अब मैं चलाऊंगा, मैं हूँ तुम्हारा लीडर. ठीक है, तो उन्होंने, उनको लगता था कि जो रिच पीजेंट्स है उन्होंने ना ग्रेन्स को छुपा के रखा है ताकि जब रेट बढ़े तो वो उनको ज़बरदस्ती, मतलब रेट बढ़ेगा तो वो बेचेंगे. ठीक है, बट उन्होंने क्या करा, जो भी ये बड़े 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 पीजेंट्स थे इनको कुलकाज बोला गया और स्टालिन ने अपने अंडर अपने ट्रूप्स को भेजा और सभी से जो भी ज़बरदस्ती करके जितना भी ग्रेन लोगों के पास हुआ करता था वो ज़बरदस्ती छीन के ले आया करते थे. ठीक है, इतना सब कुछ किया गया और पीजेंट्स को बोला गया कि ठीक है तुम कलेक्टिव फार्मिंग करो, और पीजेंट्स को बोला कि जो भी ये लैंड है इसमें तुम काम करो और प्रॉफिट इक्वली शेयर करो. ठीक है, इतना सब कुछ किया गया, बट ये जो पीजेंट्स थे ये इस अथॉरिटीज़ के थ्रू काम नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपनी ही लाइफ स्टॉक को मतलब बर्बाद करना शुरू कर दिया था. ठीक है, और जो फूड ग्रेन है, बिकॉज वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो फूड ग्रेन का प्राइस है ना वो फिक्स कर दिया गया था, उन्होंने बोला फिक्स प्राइस पे हम काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक्स को और अपनी कैटल्स को बर्बाद करना शुरू कर दिया था. ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या हुआ कि ये तो नहीं आया, ग्रेन्स तो नहीं आए, और सोवियत हिस्ट्री में फेमाइन की वजह से लगभग 4 मिलियन लोग उस टाइम मर गए थे. ठीक है, बहुत बुरी हार्वेस्ट हुई थी और ठंड भी उस टाइम काफ़ी थी. अब ये जो पार्टी थी ये पार्टी ही क्रिटिसाइज़ करने लगी स्टालिन को और बोला कि ये प्लांट इकोनॉमी के अंडर ये सारी चीज़ें हो रही हैं. और स्टालिन ने बोला, मतलब स्टालिन और उनके जो भी सिंपथाइजर्स थे उनको बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो सोशलिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेंसी है. ठीक है, और उन्होंने बोला कि उन्होंने इसके खिलाफ, जब लोग उन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो लगभग 2 मिलियन लोगों को जेल में डाल दिया गया और लेबर कैंप में उस टाइम उनको डाल दिया गया. काफ़ी लोगों को तो टॉर्चर किया गया और एग्जीक्यूट भी कर दिया गया. ठीक है, और उनमें से कुछ काफ़ी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे. अब देखते हैं कैसे ग्लोबल इन्फ्लुएंस फैला और रशियन रेवोल्यूशन इन द USSR. देखो इतना सब कुछ हुआ, रशिया को आज़ादी तो नहीं मिली, बट जो ये आइडिया था प्रोटेस्टिंग का और सोशलिज्म का कि कैसी हमें पार्टी चाहिए, ये थ्रू आउट द एशिया फैलने लग गया, एशिया और यूरोप. अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने भी इसके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी. USSR ने भी बोला कि ठीक है ये जो चीज़ें हैं अगर लोग ये चीज़ चाहते हैं तो इन आइडियाज़ में बुराई क्या है. ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से लोगों ने काम करा इन चीज़ों के लिए और काफ़ी जगहों पे सोशलिज्म हुआ, काफ़ी लोगों को फ्रीडम मिली बट काफ़ी लोगों को नहीं मिली, जैसे रशिया को भी नहीं मिली थी. ठीक है, सो यस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आने वाले हैं. अगले चैप्टर में हम हिटलर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो. सो यस, थैंक यू वेरी मच.